हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम उसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण की परिभाषा को लिख दी हूँ और पहले हम रासायनिक समीकरण को समझेंगे, क्योंकि समझेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर रट लेंगे तो 2-3 दिन के लिए याद रहेगा, आप फिर भूल जाएंगे। तो चलिए रासायनिक समीकरण को पहले समझते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मतलब जब पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके जो नया गुण वाला पदार्थ बनाता है उस क्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं यानी कि अभिकारक होते हैं, उनके संकेत और वो अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद जो प्रतिफल बनाते हैं, उस प्रतिफल के सूत्रों को हम एक समीकरण से दिखाते हैं और उस समीकरण को बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। क्या मतलब, हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये अभिकारक हो गए, अभिक्रिया के बाद क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हम समझते हैं, यहाँ पर कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं, ये कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण ये होता है कि कार्बन का संकेत क्या होगा, सी, प्लस ऑक्सीजन का संकेत क्या होगा, O2। और ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद जो प्रतिफल बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, CO2। तो अभिकारक के संकेतों और प्रतिफल के सूत्रों को हम एक समीकरण के माध्यम से दिखा दिए और ये जो समीकरण हुआ इसे बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। और परिभाषा भी बिल्कुल उसी तरह है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों यानी कि भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, ये हो गया संकेत कार्बन का संकेत और ये हो गया ऑक्सीजन का संकेत, एवं सूत्रों की सहायता से, ये हो गया इसका कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त सूत्रीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि संकेतों और सूत्रों की सहायता से हम एक समीकरण द्वारा दिखा दिए इस अभिक्रिया को, तो हम बोलेंगे इस समीकरण को रासायनिक समीकरण। यहाँ तक क्लियर है। अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण के लिखने के तरीके यानी कि नियम क्या है। तो मैं मिटाती हूँ तब हम समझेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ रासायनिक समीकरण लिखने के नियम ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला नियम है कि अभिकारकों के संकेतों को समीकरण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं जिसको हम बोलते हैं अभिकारक, उनके संकेतों को हम समीकरण के बाईं ओर रखते हैं। एग्जाम्पल देकर लिख लेते हैं। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए, अभिकारक। तो इनके संकेतों को हम कहाँ लिखेंगे, समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कार्बन और ऑक्सीजन, समीकरण के बाईं ओर लिख दिए। ये मेरा दाया है और ये मेरा बाया है। जब आप भी कॉपी पर लिखेंगे ना तो आपके लिए भी यही दाया होगा और यही बाया होगा। तो बाईं ओर हम लिख दिए। अब अगला नियम है कि अभिकारकों के संकेतों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर हम धन चिन्ह दे देंगे, ये दोनों अभिकारक हैं इनके बीच हम प्लस चिन्ह दे दिए। अगर एक अभिकारक रहता तो आप नहीं देंगे, यहाँ पर धन चिन्ह इसलिए दिया जा रहा है ताकि इन दोनों को पता चले कि मिलाया गया, एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, इसीलिए हम धन चिन्ह देते हैं। अगला है अभिकारकों की अभिक्रिया के बाद प्रतिफलों के संकेतों को समीकरण के दाईं ओर रखा जाता है। यानी कि ये जो दोनों अभिकारक हैं, ये जो अभिक्रिया की है और इनके अभिक्रिया करने के बाद जो प्रतिफल बना, उस प्रतिफल के सूत्रों को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण के दाईं ओर रखेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो समीकरण के दाईं ओर रख दिए, ये हो गया। अब चौथा नियम बोल रहा है प्रतिफलों के संकेतों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। तो हम प्रतिफल के संकेतों के बीच धन चिन्ह इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा एक ही प्रतिफल बन रहा है। अगर दो प्रतिफल बनता तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं जिससे पता चलता कि दो प्रतिफल बना है।
ठीक है, अगला नियम है अभिकारकों एवं प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है, यानी कि ये जो अभिकारक है और ये जो प्रतिफल है इनको अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अभिक्रिया हुई है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, तीर चिन्ह लगाते हैं। और जिधर तीर का निशान होता है उधर हमारा प्रतिफल होता है। अगर ये चिन्ह तीर चिन्ह इधर रहता तो इधर हमारा प्रतिफल होता, लेकिन जिधर प्रतिफल रहता है उधर ही तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब देखिए इसके क्या लाभ है, इसके क्या बेनिफिट है। देखिए इससे हमें पता चल जाता है कि अभिकारक कितने हैं, यानी कि दो अभिकारक हैं, और प्रतिफल कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है। और उसके बाद से एक इसका एक और लाभ है कि हमको ये लंबा नहीं लिखना पड़ता है। अगर इस तरह हम नहीं लिखते हैं तो लिखते क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया कर कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो इतना लंबा लिखना पड़ता। लेकिन रासायनिक समीकरण से हम एक समीकरण द्वारा लिख दे रहे हैं, एक लाइन में लिख दे रहे हैं, तो इससे कागज की बचत हो रही है और समय की भी बचत हो रही है। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण के नियम, लिखने के नियम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो आने वाला वीडियो होगा वो इससे थोड़ा लंबा होगा और समय ज़्यादा लगेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आने वाले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।